प्रोड्यूसर भी टेंशन में रहता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जो फिल्म प्रोड्यूसर रहता है, जो फिल्में बनाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, उसको भी ज़्यादा टेंशन रहती है कि यार अच्छे आर्टिस्ट मिल जाने चाहिए, अच्छे कलाकार मिल जाने चाहिए। दोस्तों आप सुन रहे हैं विपिन कुमार को। दोस्तों फिल्म प्रोड्यूसर इसके लिए टेंशन में रहता है क्योंकि उसके करोड़ों रुपए लगे रहते हैं एक फिल्म बनाने के लिए, सीरियल बनाने के लिए, और आप जैसे नए कलाकार को चांस देना उसकी मजबूरी बन जाती है। मजबूरी इसके लिए बन जाती है क्योंकि बॉस जो नए कलाकार होते हैं वो ज़्यादा चार्ज नहीं लेते और उनको काम करने की ललक होती है। बॉस उनके अंदर एक बहुत बड़ी चाहत होती है कि बॉस उनको काम करना है, बस काम करना है। कितना भी रुपए मिल जाए वो जरूरी नहीं है, बस काम मिलना चाहिए। दोस्तों मैं मुंबई सूरत हाईवे पे हूँ, गोइंग टूवर्ड्स मुंबई, मुंबई की तरफ मैं जा रहा हूँ। ऑन द ड्राइव दिल में ख्याल आया कुछ आप लोगों से बातें कर लेता हूँ। तो आज का बात यह है दोस्तों कि प्रोड्यूसर आप लोगों से ज़्यादा टेंशन में है आप लोगों को काम देने के लिए। आप कोशिश तो करो, अगर आप कोशिश नहीं करोगे आपको काम नहीं मिलेगा। वेलकम टू मुंबई, आइए एक बार कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिस्तर पे सोए रहोगे और सोचोगे कि बॉस आपको पराठा मिल जाए, पराठा नहीं मिलेगा बॉस, उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कमा के लाना पड़ेगा, तब जाके पराठा आपको मिलेगा। आशा करता हूँ ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। अच्छे प्रोड्यूसर के पास कैसे पहुँचे, गाइडेंस हम लोग आपको देते हैं। आइए, सीखना बड़ा ज़रूरी है, सीखिए एक बार, डेफिनेटली हमारी टीम आपको गाइड करेगी। थैंक यू।